कलाकार को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं आर्टिस्ट गणेश शर्मा चैनल। तो आज मैं बातें करूंगा इंडोर पेंटिंग और आउटडोर पेंटिंग के ऊपर में। तो अभी जो मैं यहां पर बनाने वाला हूं, ये आउटडोर का पेंटिंग है जो कि मैंने ही अपना मोबाइल से खींचा है और यहाँ पर मैं प्रिंट आउट निकाल कर लगाया हूँ और उसके बाद मैं इसमें ड्रॉ करके बनाऊंगा भी। तो मैं अभी बात करूंगा कि हम लोग जब अपने स्टूडियो में करते हैं या अपने रूम में या अपने घर में बैठकर करते हैं तो उस समय हम लोग क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं उस समय, और हम लोग के पास में क्या चीज होता है जो कि हम लोग उस समय उतना दूर तक समझते हैं और क्या चीज नहीं होता है। तो बातें करते हैं अभी कि अगर मैं किसी चीज को लाइव बनाता और वहां पर जाकर मैं देखता तब पता चलता कि मैं और क्या क्या गलतियां कर रहा हूं। जैसे कि हमारी जो नजरें हैं वो नजरें, हम कोई भी चीज को एक जगह नहीं देखते हैं क्योंकि हमारा जो सेटअप होता है, माइंड सेटअप होता है और हम लोग का जो नजर बना हुआ रहता है। अगर हम लोग बिगनर हैं, अगर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए, तो ये ध्यान रखना है कि मैं कितने लंबे टाइम से बना रहा हूँ या मैं क्या सोचता हूँ। तो हमारा जो नजर है ना वो कैमरा का तरह नहीं देखता है, ये कैमरा खींचा है, लेकिन जो हमारा नजर देखता है वो हमारा नजर ही बनाता है ना। तो ये कैमरा खींचा है, तो जितना कैमरा खींचा है उतना मैं बनाऊंगा पेंटिंग। लेकिन हमारा नजर अगर मैं आउटडोर में जा रहा हूँ करने के लिए, यानी कि पूरा खुला मैदान है और वहां पर मैं कुछ बना रहा हूं, हाँ, अगर मैं इसी फोटो को बनाता लाइव बैठकर, तो वहां पर क्या होता कि मैं पूरा का पूरा मेरा जो नजर है पूरा चारों तरफ से देखता, चारों तरफ देखता। लेकिन यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, सिर्फ वही देख रहा हूं जो कैमरा मुझे दिखाया है, मैं वही बनाऊंगा। तो मुझे यहां तक ही पर्सपेक्टिव समझ में आएगा, लेकिन जब मैं लाइव कहीं बैठता तब वहां पर पता चलता कि मैं वहां पर क्या देख रहा हूं, क्या बना रहा हूं, क्योंकि वहां पर बहुत चीज निर्भर करता है। एक तो हमारा प्रकृति और दूसरा हमारे आसपास के जीव जंतु, वो डिपेंड करते हैं। प्रकृति में जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा लाइटिंग है, जो सूर्य का लाइटिंग है, वो डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा आसपास में कौन आ रहा है, कौन देख रहा है मेरा पेंटिंग, कौन क्या बोलेगा, ये सब हमारा ध्यान में है। और हमारा माइंड इधर उधर भागते रहता है, कभी गाड़ी का आवाज आया, कभी कोई इंसान का आवाज आया, कोई इंसान वहां से गुजरा। तो आप यहां पर देखोगे कि पेंटिंग में मैं यहां पर एक छोटा ऐसा आदमी दिखेगा जो कि आपको यहां पर कैमरा में नहीं दिखता होगा, तो इस तरह से दिखता है। तो अब क्या होता है कि जब हम लोग आउटडोर में जाते हैं काम करने के लिए, तो आउटडोर का बात कुछ अलग होता है और इंडोर का बात अलग होता है। अगर हम लोग अपने स्टूडियो में काम करते हैं तो वहां पर ज्यादा हम लोग पर्सपेक्टिव ध्यान नहीं आता है, लेकिन अगर उसी जगह में हम लोग अगर चले गए कहीं आउटडोर काम करने के लिए, तो वहां हमारा पर्सपेक्टिव जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और वहां पर हम लोग को सीखने मिलता है बहुत कुछ। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को भी मैं आउटडोर का पेंटिंग लाइव दिखाऊं और वहां पर मैं बताऊं कि और क्या क्या वहां पर हम लोग देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं इसमें जो बनाऊंगा, इसमें जो मैं ड्रॉ किया हूं, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, एक नहर जो दिख रहा है, ये नहर का जो पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से ये जाकर यहाँ पर मिल गया है, फिर उसके बाद ये जो पत्थर यहाँ पर लगा हुआ है, फिर उसके बाद ऊपर में सीमेंटेड किया हुआ है, तो ये सब डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह से है। एक धार है 45 डिग्री का एंगल में, फिर 90 डिग्री का एंगल में, ये सब पूरा का पूरा माहौल बनाता है। एक आर्टिस्ट का नजर वहां पर काम करता है कि किस तरह से वो देख रहा है, कितना डिस्टेंस से देख रहा है, उसका आई लेवल क्या है, वो नीचे देख रहा है कि ऊपर देख रहा है ना, वो राइट या लेफ्ट देख रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा बात होता है आउटडोर में काम करते समय, लेकिन इंडोर में काम करते समय इतना कुछ नहीं होता है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कितना दूर तक सही है, आपका जो प्रोपोर्शन है वो कितना दूर तक सही है, आप कितना सही काम कर रहे हो। तो आई होप कि आपको ये जब पेंटिंग मैं बनाऊंगा, जब आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा और मेरे बातों से कुछ आपको समझ में आया होगा कि एक आर्टिस्ट क्या सोचता है पेंटिंग बनाते समय। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सबसे पहले मैंने यहां पर पेपर के ऊपर में, जो कि कार्टिज पेपर है 130 GSM का है, मैंने इसके ऊपर में पानी के सहारे बादल को बनाया है और आसमान को यहाँ पर कलर किया है बहुत ही लाइट और ट्रांसपेरेंट कलर से। अब मैं कलर को जो डाल रहा हूँ, इसमें टेम्परा का कलर है जो कि मेरे पास में 2-3 कंपनियाँ थी कलर, और मैं उसी का यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि मैं कभी डार्क लेकर जाता हूँ, कभी लाइट लेकर जाता हूँ, उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। हमारा ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा जो कि मैं अभी बना रहा हूँ, इसमें टेम्परा कलर दे रहा हूँ। तो टेम्परा कलर देने से इसमें जो टेक्सचर है वो अलग अलग आ रहा है। तो अभी फिलहाल मैं डार्क दिया हूँ, उसके बाद फिर मैं लाइट करूँगा और जिस तरह से इस फोटो में टेक्सचर है उस तरह से मैं इसमें भी डालूंगा। तो अभी आप जो यहाँ पर देख रहे हो, तो आने वाला समय में आपको कुछ और भी नया नया चीज़ इसमें देखने मिलेगा और सीखने मिलेगा। तो सीखते रहो और देखते रहो।
मैं जब इसको बना रहा हूँ तो मुझे ध्यान में है कि कहाँ पर लाइट देना है, कहाँ पर डार्क देना है, क्योंकि फ़ोटो के अकॉर्डिंग मैं इसमें जो मैं पिक्चर बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम कर रहा हूँ जो मेरा पिक्चर वहाँ पर है। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि कहाँ पर लाइट, कहाँ पर डार्क, कितना पानी में क्या कलर डालना है और कितना लैंड में डालना है, तो मैं ध्यान में रख रहा हूँ। जो कि पिक्चर उसमें जो डार्क दिख रहा है और जो मेरा पिक्चर में डार्क दिख रहा है उसमें लाइट दिख रहा है, तो ये दोनों अलग अलग डिपेंड करता है। तो अगर आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप नए नए आए हो तो लाइक एक ज़रूर कर देना। हाँ, और साथ साथ अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो मेरा वीडियो तो शेयर भी कर देना, क्योंकि अगर आपके ज़रिए कोई सीखना चाहता है तो बहुत ही मेरा और आपका सहयोग होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।